हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद हुआ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मटके गले की ड्राफ्टिंग, मटका शेप मतलब गोल गले में ही शेप है इसका। तो इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई 9.5 इंच है और चौड़ाई 3 इंच हैगी। तो लंबाई चौड़ाई सारी मैंने ले ली हैगी। और ये इस शेप में कटिंग अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपका डिज़ाइन कट के आएगा। तो 3.5 इंच में ऊपर से ले ले रही हूँ और फिर डॉट का निशान सीधे सीधे ले लेती हूँ। डॉट का निशान लेने के बाद मैं इसकी गोलाई कर दूँगी। गोलाई करने के बाद ये एक साइड की और गोलाई कर दूँगी और इसमें डोरी लगेगी, ठीक है। तो ये मटका शेप में है पर इसकी ना जो तिकोनी है निकल रही है, तो उसमें ही जो कॉर्नर जो निकल रहा है ना, उसमें ही मैं डोरी का शेप डालूँगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो फुल देखिएगा। जितना फुल वीडियो आप देखेंगे तो आप लोग को वीडियो वैसे ही समझ में आएगा। तो अब मैंने ये अस्तर पे इसको पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है। देखिए दोस्तों, पूरा चिपक चुका है पेस्टिंग पेपर मेरा अस्तर से, क्योंकि ये पतला कपड़ा था तो मुझे पेस्टिंग पेपर का इसका इस्तेमाल करना पड़ा था। तो अब इसका कॉर्नर कॉर्नर में सिलाई लगा दूँगी इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने कटिंग किया उसी शेप में इसकी स्टिच कर दूँगी। और स्टिच करने के बाद अब इसके अंदर मैं डोरी लगा दूँगी, इसके कॉर्नर में अंदर अंदर ही मैं डोरी लगाऊँगी। बाहर से मैं डोरी नहीं लगाऊँगी क्योंकि बाहर से डोरी फिनिशिंग नहीं आती है और अंदर अंदर डोरी की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ऐसे ही मैं अंदर अंदर शेप में ही इसकी गोलाई की शेप कर दूंगी। तो इस तरीके से करके मेरा पूरा जो गला का शेप है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले मैं गले की स्टिचिंग करूंगी। स्टिचिंग करने के बाद फिर मैं कटिंग करूंगी। इस तरीके से मैं गले की शेप कॉर्नर, अभी जैसे मैंने पहला पार्ट किया वैसे मैं दूसरा पार्ट भी करूंगी। और दूसरा पार्ट करने के बाद मैं इसकी भी कॉर्नर की सिलाई चला दूंगी। और कॉर्नर की सिलाई जहाँ डोरी पे शेप दी गई है, डोरी पे शेप चला के मैं स्टिच कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरा पूरा जो प्लेन सिंपल गला का शेप होता है वो डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप सिंपल वे में अपना एक डिज़ाइनिंग ड्रेस तैयार कर सकते हैंगे, बैक गला का, डिज़ाइनिंग बैक गला का। तो इस तरीके से मैं कॉर्नर कॉर्नर कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद फिर आधा आधा इंच की कटिंग छोड़ के और फिर कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद फिर उसमें कट कट लगा दूंगी, जहां तक हमें कट लगा दूंगी। कट लगाने से ये होता है कि हमारा जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकल के आता हैगा और कॉर्नर में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से मेरा पूरा पार्ट कम्प्लीट हो गया है। अब नीचे के पार्ट को मैं स्टिच करूँगी। दोनों ही पार्ट मेरे अंदर अंदर स्टिच हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोनों ही पार्ट मेरे अंदर अंदर स्टिच हो जाएंगे। इस तरीके से मैं पूरी स्टिचिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट, अब जो उल्टा पार्ट था उसको सीधा कर लिया, सीधा पार्ट को आगे की ओर करके। और देखिए इस तरीके से कुछ गला नज़र में आ रहा है मेरा। अब गले की इस तरीके से फिनिशिंग करने के बाद अपर सिलाई में चला लूँगी। ऊपर से सिलाई चलाने से ये होता है कि हमारा जो कॉर्नर कॉर्नर है वो बहुत अच्छी से फिनिशिंग आती हैगी। तो मैं हाथ की हेल्प से धीरे धीरे प्रेस कर करके इस पर स्टिच चला रही हूँ, सिलाई चला रही हूँ, ठीक है दोस्तों। आशा होगा कि आप लोग को वीडियो मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी चीज़ आप लोग को मुझसे पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आपके कमेंट करे अनुसार आपकी वो बात ज़रूर बताऊँगी। तो इसी तरीके से मेरे कॉर्नर को प्रेस कर करके इस तरीके से मैं गले की शेप को, अब अंदर अंदर दोस्तों देखो गले भी फिनिशिंग हो गई और नीचे का जो पार्ट है वो भी फिनिश हो गया। टेक हम बाद में लगा सकते हैं, जो पीछे के दो टैक लगते हैं वो हम बाद में लगा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से मेरा पूरा कॉर्नर का ये तैयार हो चुका हैगा। अब जो ऊपर सिलाई हैगी तो उसको मैं पूरा एक स्टिच कर दूंगी। स्टिच करने से हमारा ये होगा कि हमारा वो बैठ जाएगा। अभी देखिए गला कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों कितने अच्छे शेप में नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप कटिंग